हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एआई मार्केटिंग में कैसे री इन्वेस्ट होता है और कैसे विथड्रॉ होता है, कैसे $50 जो गिफ्ट में मिलता है कैसे रिटर्न करते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो उससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो चले, ये मेरा आईडी है, मैं लॉगिन कर चुकी हूँ, ठीक है। और ये देखिए मेरा जो एडवर्टाइजिंग बजट है कितना है, $307, ठीक है। उसमें से अभी मेरा रोबोट वर्क कर रहा है ना, और कैशबैक मुझे 432 ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ले चलती हूँ, मेरा यहाँ पे कैशबैक कितना आया। मेरा कैशबैक आया है कितना, $151, ठीक है। देखिए $151 आया है। अब मैं इसको, इनको जो रिफ़ंड करना होता है वो प्रोसेसिंग में जाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रांसफ़र ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र, ये देखिए यहाँ पे है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए पहले ही वो मांग रहा है सर्टिफिकेट अमाउंट, जो आपको $50 मिला था वो आप मुझे रिटर्न करो। जब तक हम उनको नहीं देंगे वो आगे के लिए मुझे री इन्वेस्ट हो या वो जो हो वो करने नहीं देंगे। यही बात मतलब मैं समझा नहीं पाती, लोग समझना ही नहीं चाहते कि कैसे हमें री इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको विथड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले उनका जो $50 है, $50 से ऊपर जो अर्निंग होता है वो तो रहता ही है हमारे पास, लेकिन $50 उनको देना पड़ता है। तो गिव इट बैक कर देती हूँ, $50 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए सक्सेस हो गया। अब मैं देखिए वो ऑप्शन हट गया है। अभी क्या है, मेरे पास जो अमाउंट वो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 151 था, 101 हो गया। अब क्या करते हैं, अब फिर से चलते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑप्शन में, ठीक है। अभी मुझे इसको री इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे 101, ठीक है, 101 में कंटिन्यू करती हूँ। देखिए यहाँ पे 101 नहीं, मैं पूरा 100 ही कर देती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट मेथड, मुझे क्या करना है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट मेथड में मैं जाती हूँ, तो ये आ रहा है, ये पेमेंट लेने के लिए ऑप्शन आ रहा है, USDT TRC20 आ रहा है, ERC20 आ रहा है, इथेरियम आ रहा है, बिटकॉइन, पर्पल मनी, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे ये सब में कहीं में कुछ भी नहीं जाना। यहाँ पे मुझे जाना है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड। अच्छा, अभी अभी जो मेरा 101.74, ठीक है, ये जो अमाउंट अभी है मेरे पास, इसको मुझे री इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी री इन्वेस्ट अगर मुझे विथड्रॉ करना होगा तो मैं ट्रांसफ़र में जाऊंगी, ये नीचे ट्रांसफ़र है, मैं इस पे जाके क्लिक करूंगी तो मुझे विथड्रॉ हो जाएगा। लेकिन मुझे विदड्रॉ नहीं करना, मुझे क्या करना है, तो टॉप अप करना है, तो मैं टॉप अप में क्लिक कर दिया, ठीक है। टॉप अप क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मुझे कितना करना है, 100 करना है। उसके बाद सिलेक्ट मेथड करते हैं, देखिए यूज कैशबैक, ठीक है, ये पहले की नहीं था। जैसे मेरा $100 हुआ है और मैंने $50 उनको रिटर्न कर दिया है तो मेरा ये ऑप्शन आ गया, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी देखिए 100 हो गया, अभी पे कर देती हूँ, 100 है मुझे, 100 मैंने किया है, अभी पे देखिए सक्सेसफुली दिखा दिया। अब देखते हैं, ये देखिए मेरा यहाँ पे एड बैलेंस में आ गया बैलेंस, और यहाँ से कैशबैक से माइनस हो गया। तो ये था आज का वीडियो, यही दिखाना था
क्योंकि सब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि री इन्वेस्ट कैसे होता है और उनको रिटर्न कैसे देना पड़ता है। जब तक आपके योर कैशबैक में आपका अमाउंट नहीं आ रहा, $150 नहीं आ रहा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता। अगर $50 आ गया तो आप उनको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन जब तक फर्स्ट टाइम आपको $100 से आप टॉप अप कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप हाँ विदड्रॉ करना चाहेंगे या री इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको मिनिमम यहाँ पे $10 होना चाहिए। फर्स्ट टाइम 100, देन $10। ठीक है, यही था मेरा आज का वीडियो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे करना है। तो थैंक यू, अगर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, ओके बाय।